हरिः ओम। प्रथमः स्कन्दः तृतीयोऽध्यायः द्वात्रिंशत्तमः श्लोकः। अतः परं यद् अव्यक्तं अव्यूढगुणव्यूहितं अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः सजीवो यत् पुनः अतः परम। इससे भी आगे मैं कहता हूँ, यद् स्थूल रूप से परे एक परम कृपालु परमात्मा का सूक्ष्म, और वो कैसा है, अव्यूढ़म और गुणव्यूहितम अर्थात अव्यक्त रूप है, और उस अव्यक्त को, अव्यक्त स्वरूप को हम अदृष्ट अर्थात आकार से देख ही नहीं सकते हैं, और आकार आदि गुणों वाला होते हुए भी न देखने में और न सुनने में ही आ सकता है, और वह सूक्ष्म शरीर आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव सह एव जीव क्या होता है, जीवत्वेन वयम वक्तुम शक्नुमः। और अस्येव जीवस्य पुनर्भवः 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 जन्म मरणम अर्थात वारं वारं जन्म ग्रहणम इति चक्रम चलति खलु। इसी का चक्र चलता रहता है, और इसीलिए कहा अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। हरिशरणं 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 मम हरिशरणं हरिशरणं मम हरिशरणं। अतः परं यदव्यक्तमव्यूढगुणव्यूहितं अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः सजीवो यत् पुनर्भवः।